लोग भी कितने नादान होते हैं, वो पहाड़ों में प्रशिक्षण लेने जाते हैं और वहां पर ये सारे ठग मास्टर चीज शक्ति सिखाने के नाम पर पैसे लूटते रहते हैं उनसे। क्या जमाना आ गया है? ठीक कह रहे हो, मैंने मौन क्रियांग में देखा था कि सब लोग वहाँ 5 बजे सुबह उठते हैं, मगर उठते ही सारा ध्यान नाश्ते पर, खाना पकाने और खाने में 2 घंटे लग जाते हैं और फिर 2 घंटे तक प्रशिक्षण कर लेते हैं और फिर दोपहर के खाने का वक्त हो जाता है, इसमें 3 घंटे चले जाते हैं, फिर थोड़ा ध्यान लगाने के बाद रात के खाने का वक्त हो जाता है, तो फिर दिन में सिर्फ 3 घंटे ही प्रशिक्षण हुआ ना, तो कोई सही प्रशिक्षण लेने के लिए भला कहाँ जाए, कोई तो सही मंदिर होगा ना उसके लिए। क्या इतना प्रशिक्षण करने के बाद उन्हें मांस मछली खाने का हक मिल जाता है? माना कि प्रशिक्षण के लिए सही पोषण का होना जरूरी है, लेकिन ताकत का सही इस्तेमाल भी तो आना चाहिए। आज ताव शक्ति का मतलब कोई नहीं जानता। आप लोगों को अंदाजा है कि हमारे हालात कितने खराब हैं? जल्दी कुछ न किया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए जल्दी से कुछ सोचो। तो क्या करें हम लोग, कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना, बड़ी चिंता होती है। तो क्या मारुचि को ढूंढना हम लोग बंद कर दें? मारुचि बनना तो दूर, आजकल के नौजवान ताव शक्ति के बारे में जानना तक नहीं चाहते हैं। क्या हो क्या गया है इन सबको, क्या चलन हो गया है दुनिया का आजकल? खाने के लाले पड़ गए हैं हम जैसे मास्टर्स को, कभी ऐसा सोचा था? हमें जल्दी कोई ठोस काम करना होगा। मान्या तुम फोन पर भविष्य बताती हो वो अलग बात है, लेकिन क्या हमें ये करना चाहिए? हमारी सदियों की मेहनत का ये नतीजा है क्या? शर्म आती है मुझे इन बचकानी हरकतों पर। इसे सुनो तो, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि हम कितने पैसे कमाते हैं इस काम से? अगर ये काम ना हो तो घर से निकलना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करते हो, और वैसे भी कभी सोचा है कि मून के एकेडमी का किराया कैसे भरेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, बानिया ठीक कह रही हैं। हमें बदलते वक्त के साथ तो बदलना ही पड़ेगा ना। क्या बदलेंगे हम और क्या होगा मेरे इस एकेडमी का, यहाँ सिखाने के लिए तो एक बच्चा भी नहीं है। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि हमें जनता के सामने कुछ कर्तव्य करके दिखाने होंगे, वैसे ही जैसे टीवी पर आजकल लोग इस तरह के शो करते हैं, मैं ठीक उसी तरह का शो करना चाहता हूँ। मैं हवा में उड़कर घर के बल्ब बदल कर और छत को घूरते घूरते बोर हो गया हूँ। चलो वो भी आजमा कर देख लेते हैं। हुए क्या हुआ? सॉरी यूजिन, क्या हुआ? ये तुम बार बार कहाँ खो जाती हो? कुछ नहीं, मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। क्या फिर से गुल होने का इरादा है? क्या मुसीबत है, इस ऑफिसर ने गाड़ी क्यों रोक दी? कांच खोलिए। क्या बात है, आप सिग्नल तोड़कर निकले हैं सर। तो क्या हुआ? अपना लाइसेंस दीजिए प्लीज। क्या कहा तुम्हें? मालूम है पीछे कौन बैठे हैं? माफ कीजिएगा, नहीं मालूम। बेवकूफ इंसान,
ये इस शहर के मिनिस्टर हैं, पुलिस वाले होकर इतना भी नहीं पहचानते क्या? कैसे आप सर? पर सिग्नल तो इन्होंने नहीं तोड़ा है ना? ड्राइवर तो आप हो, इसलिए आपको अपना लाइसेंस तो देना ही पड़ेगा, जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा ना। अच्छा तुम एक बात बताओ, कौन से पुलिस स्टेशन में काम करते हो? हाँ मैं कहाँ काम करता हूँ इस बात से तुम्हें क्या? अगर जुर्माना नहीं भरना था तो सिग्नल देखकर गाड़ी चलानी चाहिए थी ना तुम्हें। वो मेरा पास ले गया, कोई पकड़ो। हे तो तुम यहीं रुकना, मैं एक मिनट में वापस आता हूँ। आंखें नहीं है, आंखें नहीं है, देखकर नहीं चला सकता है क्या? थकान इतनी लग गई है मुझे। एक बात बताओ, जिंदगी भर तुम जैसे मवालियों के पीछे ही दौड़ती रहूं क्या? बात हुआ तुम्हारी परेशानी क्या है बे? चुप, वो पर्स मेरे हवाले करने का कितना लेगा? अभी बताता हूँ कितना लेगा। तुम आसानी से नहीं मानने वाले हो ना? फिर से चूक गई। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ वापस आओ, सुधर जाओ वरना बहुत पछताओगे, समझे? ये बिना कहीं नहीं जा रहे हो, भाग भी कहो, यहाँ पहले पास दो। लगता है इसके आध्यात्मिक बिंदु बंद हैं। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही गहराई में जा रहे हो। हाँ, मगर ध्यान से हाँ लग रहा है मुझे। जरा ध्यान से, कुछ गड़बड़ कर दी तो ये जिंदगी भर के लिए नामर्द हो जाएगा। ये आखिरी है मुख्य आध्यात्मिक बिंदु। कमाल हो गया, इसकी दाव शक्ति तो वाकई महान निकली, इसने सारे बिंदु खुद ही खोल लिए। ये लड़का तो चीज विद्या में माहिर है भाई। वो शोर क्यों है? ओह यूजिन, क्या हुआ उसे? हमने इसकी चीज शक्ति के प्रवाह को खोल दिया। पर उसका मुंह तो बंद करो। सुनो, तुम्हें ये लड़का मिला कहाँ? मेरी बात मानो, मैं एक पुलिस वाला हूँ। रुको जाओ, मेरी बात सुनो, मैं एक पुलिस वाला हूँ। हट जाओ यहाँ से। मेरी बात तो मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी बात मानो, मेरे पास कुछ प्यारा नहीं है, मेरे पास कुछ प्यारा नहीं। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने कौन से बिंदु को दबा दिया? बताता हूँ, यहाँ ये वाला। अच्छा, तुम्हारे लिए मानना बहुत मुश्किल होगा, पर यह सच है कि दुनिया में चीज शक्ति की सूक्ष्म तरंगें चारों तरफ बहती रहती है। हम इस शक्ति को जगाते हैं और लोगों को सही राह पर चलना सिखाते हैं, और यही हमारा काम है। तो आप सब साहिबान और ये मेम साहब, यहाँ आप लोग ही सेवन मास्टर्स हैं, है ना?
तो आप लोग तो सिर्फ पांच हैं, और अगर आप पांच हैं तो आपका नाम होना चाहिए पांच फरिश्ते। हाँ पांच फरिश्ते, या फिर कुछ और जैसे कि पांच सितारे। हाँ पांच चमकते सितारे, लेकिन उसको थोड़ा छोटा करना चाहिए। क्यों? हाँ बैकबोन को गुजरे हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। वो सातवां मास्टर था। उस दौर में ताकतवर लोग कमजोरों का फायदा उठाते थे। बैकबोन ने अपनी सारी चीज शक्ति को एकत्रित किया और शैतानी शक्तियों को रोकना चाहा, पर अफसोस उसने अपने अंदर बहुत ज्यादा टियर गैस भर ली। और जहां तक सातवें का सवाल है, सुनो, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम मुझे मेम साहब मत बुलाओ, अभी तो मैं कुमारी हूँ। तो क्या आप लोग एक तरह के ता मास्टर हैं, वो जो हम टीवी पर देखते हैं उन प्रोग्राम्स में? हाँ। मेरे लिए ये सब मानना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मुझे अपना कोई कमाल दिखाएंगे। वो आप लोग क्या हवा में उड़ सकते हैं? और वो दीवार पर चलना, और वो पंजे वाला जोर का धमाका, फिर से कितनी बार कहा है कि घर में धमाके करना मना है? देखो वो लोग मुझे पगार नहीं देंगे, इसलिए मुझे अपने काम पर जाने दो। मैं जा रहा हूँ। तुम अपने इस हुनर से इतना डरते क्यों हो? कैसा हुनर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग मुझे जाने क्यों नहीं देते? मुझे जाने दो। लगता है ये पागल हो गया है। हमने कितने नौजवानों को देखा है, किसी में भी तो जैसी चीज शक्ति नहीं। आज तुम जैसे जख्मी हुए हो, कोई आम इंसान होता तो मर ही जाता। अच्छा समझो, मान लिया। अगर तुम्हारी ये बात सच है तो मुझे पंजे वाला धमाका आना चाहिए, दीवार पर चलना आना चाहिए, क्यों है ना? और आपकी तरह हवा में उड़ना आना चाहिए। वाकई बहुत अजीब सी जगह थी वो, उन लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ, वही तो, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा था। हाँ मैंने उसको बताया था, पर आई थिंक इट्स ओके। ठीक है ना, तू बात तो कर ले उससे। या हाँ पता नहीं ये की पसंद आ रहा है। ओह माय गॉड, पता नहीं वो क्या कह रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगा जैसे वो पागल हो गया। मैं एक पुलिस वाला हूँ, मेरे घर पास में ही, अगर जरूरत हो तो बुला लेना। पता नहीं कौन था, वो क्या चाहता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ देखा था, पर कभी कभी ची शक्ति का प्रवाह खोलने के बाद वो अपने आप असर दिखाती है। हाँ शायद इसकी शक्ति नहीं थी, मैंने वहाँ पंजे वाला कर्तव्य किया था। आपने उसे खिड़की की ओर क्यों किया? खिड़की का कांच टूट गया है ना। खिड़की नहीं, दीवार की ओर किया था। पागल हो, चोरों को तो पकड़ नहीं सकते, और चले हो मिनिस्टर को, मिनिस्टर को जुर्माना करने। तुम अपने आप को समाज सुधारक समझते हो क्या? हाँ ठीक है ठीक है, दूर करो इसे मेरी नजरों से, ले जाओ इसे। चलो 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 चलो, शुक्रिया सर। वाह, क्या ये वाकई में पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है? मगर फायदा क्या, किसी ने नहीं देखा। अब कौन मानेगा कि दिन दहाड़े तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ था और तुम दिन भर बेहोश थे? लेकिन कल जब मैं ड्यूटी पर था तो समझो सांगवा,
दौड़कर फर्ज निभाना बहुत जरूरी है, पर तब दौड़ो जब आसपास के लोगों की नजरें तुम्हें देख रही हो। असल में कल मैं उसे पकड़ने के लिए वहाँ दारू क्लब में मारधार की खबर मिली है, उस एरिया के ऑफिसर तुरंत वहाँ पहुँचे। ठीक तो ना? देखो तो कौन है, हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं। ओह मिस्टर गैंग, मैं सोच रहा था कि कौन फिर से इलाके में गड़बड़ कर रहा है, क्यों मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। अरे छोड़, वैसे कहाँ है तू आजकल? काम में बिजी था, और कोई बात हो तो मुझे सीधे फोन किया करो, ये रिपोर्ट के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है। अरे जाने दो उन सब बातों को, जाने दो। सो हम लोग तहकीकात शुरू करें? अभी नहीं, करते हैं। तो मिस्टर गैंग, ये मामला तो अब सुलझ गया ना? ओह हाँ। भाई कभी अपने लड़कों को लेकर हमारे क्लब में जरूर आना, हमें भी तुम्हारी सेवा करने का मौका मिले। जरूर। खैर मैं चलता हूँ, आगे का संभाल लेना। हाँ, और मिस्टर गैंग आइंदा इतना शोर नहीं होना चाहिए, ख्याल रखना। हाँ हाँ ख्याल रखेंगे, बाद में मिलते हैं। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है। सुनिए सर, हम बिना पूछताछ किए कैसे जा सकते हैं? मेरी बात सुनो, अगर हमने यहाँ ज्यादा दखल अंदाजी की तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ गए? चलो आओ। मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाइए प्लीज। क्या कहा तूने? मैंने कहा कि अपना आईडी कार्ड दिखाओ। इसका दिमाग खराब हो गया क्या? हड्डियाँ तोड़ दूँ साले। रुकिए एक मिनट मिस्टर गैंग, ये लड़का नया है, ये तुम्हारे बारे में जानता नहीं है। तुमने मेरी खोपड़ी फिरा दी है, क्या ट्रेनिंग देते हो? देखिए लेकिन ये नहीं, क्या ट्रेनिंग देते हो इन लड़कों को तुम? अरे ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और अभी ना सर, आप इन सड़क छाप गुंडों से डर के आप मेरे लिए उनसे माफी मांग रहे हो? क्या बोला साले? देखिए मिस्टर गैंग, मैं इसे क्या कहा तूने अभी? उनसे आप माफी मांग रहे हो मेरे लिए? उससे पहले साले, आप उनसे डरते हो क्या? हाँ उससे भी पहले। अरे तुम हटो, मुझे बात सुनिए। सड़क छाप गुंडे, इतनी हिम्मत ना? खुद को समझते क्या तुम? अब इन नाली के कीड़े, घुटने के बल बैठ साले, सुना नहीं क्या? छोड़ दो मिस्टर गैंग, मत मारो। उल्लू की तुम, तुझे लगता है कि हम दूध पीते बच्चे हैं? तुझे लगता है कि हम सड़क छाप गुंडे हैं? उठाओ इसे। मुझे जाने का, सुनो। अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बताओ? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तू सवाल पूछेगा मुझसे? हाँ ऐसे घूरेगा मुझे? घूर घूर सारे, बोलता हूँ घूर घूर, घूरता है घूरेगा घूरेगा घूरेगा। हाँ कीड़े साले, घूर घूर मुझे, घूर 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 और घूर 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 और घूर घूर मुझे, घूर 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 सारे बदतमीज, घूर 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 घूर। वर्दी का रौब दिखा रहा है, बोलता सारे। बोल घुरेगा और घुरेगा, बोल बोल मच्छर बोल सारे कभी नहीं। चल जूता साफ कर। साफ कर, बोला ना साफ कर, अपनी जबान से साफ कर। क्यों मेरा जूता गंदा है? हाँ देखो संगवा, ये दुनिया बहुत बेरहम है, बात को ज्यादा खींचोगे तो खुद ही उलझ जाओगे। जो भी हो उसे भूल जाओ, चलो एक एक जाम हो जाए। तुम्हें चुप रहने का हक है,
तुम्हें अपना वकील चुनने का हक है। जो मुझे गलत लगता है मैं उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता। उन्होंने मुझे मारा, ये गलत था, बहुत गलत था। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्या हो रहा है ये? तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम नशे में हो क्या? देखो ऑफिसर, तुम अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हो। हाँ। गुंडों से मार खाना अब तुम्हें बंद करना होगा। जी सर। तुम ठीक हो ना? हाँ। कल सुबह टाइम पे आ जाना। शुक्रिया सर। हाँ सर। यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं? हाँ, कैसी हो? वो दरअसल मेरा गला सूख रहा था इसलिए मैंने इसे। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी लोगों का यूं दरवाजे से चीजें उठाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इसके लिए प्लीज माफ कर दो। उस दिन एक्यूपंक्चर के बाद मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा ही नहीं कर पाया, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे आके आप लोगों का शुक्रिया अदा कर लूं, पर मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैं काम में इतना बिजी था ना। पर आज मैं इस रास्ते से गुजर ही रहा था कि अचानक मुझे ख्याल आया कि शायद इस वक्त घर में सभी लोग होंगे, तो मैं यहाँ पर आ गया आप सबसे मिलने के लिए। तो बताओ, सबका हालचाल ठीक ठाक तो है ना? वाह, कितनी बढ़िया जगह लगती है ये। एक पूजनीय स्थान है। अगर जीवन में असीम प्रकाश पाने की इच्छा हो तो आध्यात्मिक चाबी लेकर यहाँ खड़े होने से निर्वाण के द्वार खुल जाते हैं। अच्छा, तुमने कभी सुना है ड्रैगन पहाड़ के बारे में, जिसका प्राचीन कहानियों में जिक्र है? आओ बैठो। ये वो जगह है जहाँ ड्रैगन की चीज शक्ति और पहाड़ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। पर वहां पर कुछ लोगों ने चीज शक्ति का दुरुपयोग करके वहां अंधाधुंध इमारतें बनानी शुरू कर दी और ये पूजनीय स्थान उन इमारतों की भीड़ में कहीं दफन हो गया। ये तो जब आर्मी हेडक्वार्टर्स को जंग के अजायब घर में तब्दील कर रहे थे तो इस स्थान के अवशेष मिले, और अब तो कई सालों से वहां खुदाई का काम चल रहा है। मुझे मालूम नहीं था कि मास्टर्स को ड्रैगन पहाड़ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। कोई प्रशिक्षण कैंप नहीं है, पूजनीय स्थान है वो। मैं समझता हूँ, पर भी मेरा मतलब ये है कि चाय थोड़ी गर्म थी, मुझल गया। तो अगर मैं वो सब कर लूं तो एक अच्छा फाइटर बन सकता हूं ना? नहीं, हम यहाँ लोगों को गुंडागर्दी करना नहीं सिखाते हैं। क्या हो गया आपको बाबा? क्या आपको वाकई लगता है कि ये लल्लू एक दिन मारुचि बनेगा? अब तुम चाय पियो ना। काफी गुस्से वाली लगती है आपकी बेटी।
मास्टर, वो पंजा वाला करतब सिखाने के लिए आप कितने पैसे लेते हैं? उसका धमाका जितना तेज हो पैसे भी उसी हिसाब से होते हैं। नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है। तुम्हें मालूम है वो लोग वहाँ ऊंचाई पे कैसे काम करते हैं? ये शरीर को हल्का रखने वाला कर्तव्य है। कंस्ट्रक्शन वर्कर अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें याद है एक औरत ने एक बार एक हथियारबंद बैंक डकैत को पकड़ा था? बहुत लोग उस बात से दंग रह गए थे। तुम्हारे ख्याल में उसे ये ताकत कहाँ से मिली? वो तो सिर्फ एक छोटे से बैंक में काम करने वाली मामूली औरत थी। अरे समझ, बहुत से काबिल लोग अनजाने में ही किसी कला में माहिर हो जाते हैं। जैसे कि इन औरतों को देखो, जो दिन भर अपने सर पर अपने से ज्यादा वजन उठाए काम करती हैं, और वो भी उसे बिना गिराए। जानते हो, जो लोग अपने ऑफिस से अक्सर किसी काम का बहाना बनाकर घंटों के लिए गायब हो जाते हैं, यही वो लोग हैं जो हमारी दुनिया में अमन और शांति बनाए रखते हैं। सेवन मास्टर्स को तलाश है एक लीडर की जो दुनिया में अच्छी चीज शक्ति के ज्ञान को फैला पाए, ताकि हमारी ये दुनिया फिर से पहले की तरह एक खूबसूरत अच्छी जगह बन जाए। तो क्या मास्टर्स ये खुद नहीं कर सकते? सारा दिन काम ही काम, छुट्टी मिलते ही नहीं है। खबर मिली है यहाँ लीकेज हो रही है, तो चलो वहाँ मरम्मत कर देते हैं। लगता है यही वो जगह है। मेरे ख्याल से उस तरफ है। पूरा सीमेंट भी उखड़ा हुआ है, लीकेज भी हो रही है। यहाँ तो कुछ नहीं लगता है, ऊपर भी कुछ नहीं है, इधर भी नहीं है। किधर सीमेंट उखड़ा दिख रहा है तुमको? ए ए, यहाँ आओ, जरा सुनो तो। क्या बात है? ये आवाज सुनो। कुछ सुना? लगता है वहां कोई है। हाँ सच में। अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। मुझे क्या खाने में थोड़ा अंडा और मीट वगैरह नहीं मिल सकता क्या? मैं खरगोश नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये घास फूस खाकर जिंदा नहीं रह सकता। चाव प्रशिक्षण के दौरान शाकाहारी खाना पड़ता है, इतनी भी समझ नहीं है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता था। शायद तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मेरे हाथ इस तरह से बंधे हुए, मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? आप मेरे हाथ तो खोलिए कम से कम। प्रशिक्षण एक तरह का ज्ञान है। भूखे पेट रहोगे तो ज्यादा ध्यान लगाकर सीखोगे, और ये सब तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत बढ़ाएगा। पर सर, मेरे ही हाथ बने हुए क्यों हैं? आप दोनों तो बड़े मजे से खाना हो गया। तुम अपनी मर्जी से यहाँ सीखने आए थे, पर तुम्हें अपने गुरु के लिए इज्जत ही नहीं है। जरा तमीज से पेश आओ। क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? बताओ, क्या तुम हाई स्कूल भी गए थे? बताओ। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई पूरी की हुई है। क्या है? आग बुझ गई है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होने वाला। बस बहुत हो गया, मैं ये सब करने नहीं आया था। आपने मुझसे सफाई करवाई, मैंने की, आपने मुझसे कपड़े धुलवाए, मैंने आपके सारे कपड़े धोए। आपके कहने पर मैं सर के बल भी खड़ा रहा, लेकिन आपने पंजे वाला धूम धमाका करना नहीं सिखाया। शिकायत करना बंद करो। ताओ प्रशिक्षण एक तरह का ज्ञान है, और तुम वक्त आने पर सीख जाओगे। ये ज्ञान व्यान को छोड़ो, आप लड़ना कब सिखाओगे मुझे?
अगर मारपीटी सीखनी है तो और कहीं चले जाओ, मुक्केबाजी सीख लो ना। अच्छा 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 ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, पर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप लोग तुरंत ही मुझे ये पंजे वाला धमाका करना सिखाएं। घर में धूम धमाका करना मना है। हमें इसकी और जांच करवानी पड़ेगी, पर लगता है कि हथियार कोरिया शासन काल का है। और इन लोहे के कांटों का मतलब क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ये मैदाने जंग में कोई संकेत देने वाला औजार है। संकेत देने वाला मतलब? जापान के साथ जंग के दौरान जनरल ली पंख के आकार में सिपाहियों को खड़ा करते थे, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये कांटे सिपाहियों की जगह बताते हैं। ऑफिसर, आपके लिए फोन है। हमें जो बूढ़ा दिखाई दिया था वो गायब हो गया है। वो सब ठीक है, लेकिन पहले मुनाफा कमाओ फिर पैसे बांटने के बारे में सोचना। जो सामान मैं जापान भेजा करता था वो आजकल कस्टम वाले पकड़ लेते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता, इसलिए तो उसे संभालना सीखो पहले। एक मिनट रुको, जाओ। हाँ कुछ नहीं, हाँ मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बदतमीजी है, जाओ यहाँ से। मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है? बचाओ बचाओ। बहस नजरों के मिलने से शुरू होती है और वैसे ही खत्म होती है। ये भी लड़ने की एक कला है। आप सामने वाले को सिर्फ लड़कर नहीं बल्कि अपनी नजरों से ढेर करते हैं। जंग नजरों से जीती जाती है। यहाँ बैठकर घूर कर क्या देख रहे हैं? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या बदमाश? कर्तव्य करना सिखाने वाले थे पर उन्होंने मुझे अब तक कुछ नहीं सिखाया। तुम आजकल ठीक से खाते नहीं क्या? मुझे खास भूख नहीं लगती। अगर इस नौकरी में मुश्किल आ रही है तो दूसरी ढूंढ लो ना। जब देखो मार खा के चले आते हो और आजकल तुम ठीक से खाते भी नहीं, ऐसे तुम्हें अच्छी बीवी कैसे मिलेगी? जब मैं बहुत जरूरी काम करता हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती। आजकल मैं बहुत जरूरी काम। डैडी सो रहे हैं, आवाज मत करो, चुप रहो। माँ तुम तो कुछ भी मेरे बारे में नहीं समझती हो।
स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। कौन बनेगा मास्टर में? मैं हूँ किम सु। मैं हूँ किम योसन। आज तो दर्शकों की तादाद कुछ ज्यादा है। हाँ। बिल्कुल सही जवाब किम योसन। हाँ? क्या तुमने सुना है कि आजकल हमारे दर्शकों को खाने के बाद भूख नहीं लगती और सोने के बाद नींद नहीं आती? और वो क्यों? च्यवनप्राश खा के सोते हैं। आमतौर पर हमें इस तरह के करतब दिखाने की इजाजत नहीं है, लेकिन आजकल लोगों को टाव में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उन्हें सब कुछ दिखाना पड़ता है। क्या आप तैयार? चाहे वो इस तरह टीवी पर ही क्यों ना हो। हाँ। नाम बड़े अजीब है, मैं ठीक से पढ़ लूंगा क्या? मास्टर योग बॉन्ग और मास्टर सुरु। आइए दर्शकों के सामने आइए। दोनों कितने कमाल के दिखते हैं, है ना? हाँ। आपने यहाँ आकर हमारी इज्जत बढ़ाई है। आपसे मिलकर बहुत खुशी। हाँ, आपको यहाँ आने में तकलीफ तो नहीं हुई है ना? ये क्या है? ये तो बहुत भारी है, इसमें आपने पत्थर भरे हैं क्या? आजकल बहुत भीड़ होती है सड़कों पर, मैं तेज चलता हूँ और अक्सर लोगों से टकरा जाता हूँ। ये पत्थर मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ ताकि मैं धीरे चल सकूँ और किसी से टकराने से बचूँ। आप तो बहुत तेज होंगे, आप भी यहाँ जादू शक्ति से पहुँचे होंगे ना? नहीं, मैं 7 नंबर की बस में आया हूँ। हाँ बिल्कुल सही, हमने आपके बारे में बहुत सुना है और मेरे साथ ये दर्शक भी आपके करतब देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तो क्यों ना हम जल्दी से शुरू करें और दर्शकों का दिल जीत लें, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, इंसानी ताकत का बेजोड़ नमूना, देखिए कैसे ये इनके 2 टुकड़े करेंगे। पहाड़ों पर प्रशिक्षण करने के बाद यहाँ टीवी पर कर्तव्य करना मुश्किल होता होगा। चलिए हम जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाते हैं। रुक जाइए, मेरी बात सुनिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं संभालता हूँ। देखिए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल ये जो तकनीक हम आपको दिखाने जा रहे थे वो बहुत ही मुश्किल है, एक आम इंसान के लिए इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है जितना कि मेरे जैसे एक इंसान के लिए। मार खानी है क्या? नहीं सॉरी। जल्दी आना। हाँ
अच्छा तो ये मार्शल आर्ट की कॉमिक्स भी पढ़ती है। अजीब है। अरे ये क्या मेकअप का सामान, कभी लगाती भी है कि नहीं? तो ये क्या है, कागजात? ब्यूटी अकेडमी क्या है? हाँ ये तो स्कूल में भी अच्छी दिखती थी, ये तो जन्मदिन की तस्वीर है। ये तो 17 अप्रैल को है। एक सेकंड रुको, ये तो अभी आने वाला है। याद रहे नौजवान, मार्शल आर्ट की मदद से हमें दुनिया से आतंक, द्वेष और हमेशा की क्रूरता को खत्म करना है। यही मार्शल आर्ट की सच्चाई है। ये मकसद तुम दोनों को हमेशा याद रखना होगा। सिर्फ एक सच्चा और ताकतवर इंसान ही अपने दुश्मन को हरा पाएगा। चलो देखते हैं, तुम यूजीन को मारने की कोशिश करो। अच्छा था, मगर ये याद रहे कि सामने वाला भी मुकाबला कर सकता है। खुद पर काबू करना चाहते हो तो पहले अपने दिमाग को काबू करना सीखो। दूसरों की सेवा के लिए, जीत हासिल करने के लिए नहीं, सेवा में ही सच्ची ताकत है। इसे पाने के लिए आपको खुद को खोना पड़ता है। शक्ति के प्रवाह में बहना ही लचीलापन है। दुश्मन की शक्ति को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करो। जिसके पास सच्ची शक्ति हो उसे कैसा डर। याद रहे, सच्चा प्रशिक्षण ही आपको काबिल बनाता है। मुकाबलेबाजी तो बहुत ही आसान है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने शरीर को काबू में रखना सीखो। आपका दिमाग और शरीर एक है। अगर दिमाग पर काबू पाना चाहते हो तो पहले शरीर पर काबू पाना सीखो। आप ये करतब करो। कर तो रहा हूँ, तुम मेरे नजदीक मत आओ, दूर रहो। बंदर नजदीक आना तो दूर, देखो भी मत। फुर्ती का मतलब है तेज होना, समझे? मुक्का बनाने का अंदाज है, पर तब में मारने का अंदाज नहीं होता। दुश्मन को कहां चोट पहुंचानी है इसका फैसला तुम्हें ही करना होगा। अगर मैं दूसरों से तेज हूं तो इसका मतलब दूसरे मुझसे धीमे हैं। बहादुर कभी हिचकिचाते नहीं, सही मौका देखते ही दुश्मन पर वार करो। वक्त का पहिया सबके लिए एक समान चलता है, फिर भी ध्यान लगाने से एक बहता हुआ पल एक सदी में तब्दील हो जाता है। दुश्मन पर हमेशा बेरहमी से वार करो ताकि उसके बचने की गुंजाइश ही ना रहे। अगर तुमने अपने जज्बातों पर काबू नहीं पाया तो तुम्हारा अंतर्मन बेचैन हो जाएगा
शरीर पर लगे घाव तो आसानी से मिट जाएंगे, पर आत्मा पर लगे घाव आसानी से नहीं मिटते और वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे। और सबसे अहम बात, असली योद्धा वही है जिसके वार और बचाव दोनों में सच्चाई हो। जिसने खुद को खोकर सच्चाई को पा लिया तो समझ लो उस इंसान ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अच्छा तो ये बताइए, मोक्ष पाने के बाद क्या होता है? आप मुझे सिखाएंगे क्या? उससे पहले क्या होता है वो तो सीख ले लल्लू। हेलो, कौन? बिलुकू? हाँ मैं सहुआ बोल रहा हूँ। तुम सब बोर हो रहे हो ना कि मैं वहां नहीं हूँ? मैं सोच रहा था तुम सब यहाँ जाओ टाइम पास करने। नहीं वैसे भी मुझे कोई काम नहीं है यहाँ। नहीं आना चाहते हो? नहीं मुझे लगा कि तुम सब यहाँ हो गए। कोई बात नहीं, तो फिर मैं बाद में मिलूंगा। अच्छा ठीक है। ओ भाई साहब, अरे भाई साहब ये तुम क्या कर रहे थे? हाँ क्या सोचकर ऐसे सड़क पार कर रहे थे? किसी गाड़ी के नीचे आ जाते तो देख नहीं रहे हो कितनी सारी गाड़ियां जा रही हैं? डर रहे हो क्या? ये सोचकर जाने देता हूँ कि तुम जल्दी में हो। चलो आईडी कार्ड दिखाओ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ ऑफिसर सैंगवा, ट्रैफिक पुलिस में काम करता हूँ। अपना आईडी दिखाइए। तारे नहीं, आईडी दिखाओ। चलो चलो जल्दी दिखाओ। अरे मुन्ना भाई सुनो, कहाँ जा रहे हो? अरे बात तो सुनो, नाइट वॉक पे जा रहे हो क्या? अरे मैं पुलिस वाला हूँ, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। पागल हो क्या? दिखता नहीं तुम्हें, पागल कहीं के? चोट तो नहीं लगी ऑफिसर? लेकिन पता नहीं वो इस तरह से क्यों भागा होगा, मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। कहाँ गया होगा? क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। अजीब बेवकूफ है, पता नहीं क्या कर रहा था। हा? ये क्या है? कायल, अरे रुक जाओ, मेरी बात सुनो। रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। पता नहीं ये कैसे हो गया, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता आप सब हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। वो टीवी मैनेजर पिछले हफ्ते के शो को लेकर कितना नाराज हो रहा था, मैंने उसे समझाने की कितनी कोशिश की कि लकड़ी तोड़ना मार्शल आर्ट नहीं है। तो क्यों ना हम किसी दूसरे प्रोड्यूसर से जाकर बात करें? हाँ करनी ही पड़ेगी, मुझे तो सोचकर भी घबराहट होती है, हमारी जिंदगी तो बंजारों जैसी हो गई है। हाँ? ओ, ये तो भयंकर ची शक्ति है। ये क्या, ये बाहर कैसे निकला? बताओ मुझे वो चाबी किसके पास है? किसके पास है?
जब से ये हमें मिले हैं इन दोनों ने एक बार भी अपने पलके नहीं झपकाई हैं। इससे पहले कभी आपको इनमें ऐसे कोई आसार दिखाई दिए थे? इनके सभी आध्यात्मिक बिंदु बंद हैं। क्या आपकी भाषा में कहें तो ये लोग कोमा की हालत में हैं। मैं कितनी कोशिश करता रहा हूँ पर मैं ये ठीक से क्यों नहीं कर पा रहा। तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसे सीखना बहुत मुश्किल है। वो तो है पर हाँ, उस आदमी की तेजी और काबिलियत देखने लायक थी। सुनो, तुम्हें कितनी बार समझाना होगा? क्या जब तुम लड़ते हो तो ची मायने रखती है, ना कि ये करता। ची की बात तुम्हें उसे ची शक्ति से ही हराना होगा। तुम इस बात को समझते क्यों नहीं हो? हाँ जानता हूँ, मुझमें आत्मविश्वास नहीं है। जब कोई लड़ने की चुनौती दे तो कहना ठीक है लड़ते हैं, लेकिन मुझे डर है इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो मैं उसे सीधा जान से ही मार दूंगा। जाने दो। सुनो, अब क्या है? ये लो। ये सब क्या है? तुम्हारा बर्थडे है ना। तुम्हें कैसे मालूम? हम पुलिस वाले सब जानते हैं। वैसे तारीख गलत है पर फिर भी शुक्रिया। मैं इसे पटाखे ही छोड़ूंगा। ए सांगवा, ये क्या है? लेकिन बात क्या है? तुमने यहां भी जासूसी करनी शुरू कर दी? हाँ, मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? तुम तो बेकार ही गुस्सा हो रही हो। हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने ये किया? मेरी जिंदगी में तुम कभी दखल मत देना। खाना ठीक से खाओ। अजीब लड़की हो तुम, डांटती भी हो, खाना भी खिलाती हो। मून कह रहे थे कि तुम आजकल बहुत कमजोर लग रहे हो और इसलिए तुम्हें ताकत के लिए थोड़ा खाना खिला दूं। ओ, ये लो। ये क्या है? मून ने कहा कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे नाक पर रहता है और जब भी गुस्सा आए तो इसे देख लिया करो, इससे तुम्हारा गुस्सा काफी कम हो जाएगा। ले लो। सच कहना, क्या वाकई इसे मून ने भेजा या? हाँ, तो क्या मैं दे रही हूँ? सुनिए जरा, यहाँ बुझ गई है, आके जला देंगे। रुको, उसे मत बुला। देखा नहीं वो बिजी है। सुनो, तुम्हें सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे कुछ नहीं होता। तुम मेरा एक काम करोगी? तुम मुझे वो पंजी वाला कर्तव्य जल्द से जल्द सिखा दोगी? इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं बच्चे। कमाल है।
आप अपना भविष्य जानने के लिए बेताब हैं? अफसोस, इस वक्त मैं घर पर नहीं हूँ। मेहरबानी करके अपना नाम और नंबर एक बीप के बाद छोड़ दें। मैं आते ही आपको फोन करूंगी। बान्या अभी जवाब नहीं दे रही। गुगुन तो चाबी पाने को बेताब है। अब हम लोग क्या करेंगे? तुम्हें मुझसे वो चाबी लेनी होगी। क्या कह रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? आंखें चुराने से काम नहीं चलेगा, हमें मिलकर सामना करना होगा। हम मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते। हुगुन से लड़ने के लिए हमें एक तीसरे साथी की जरूरत है। मैं अकेला एक अरसे से मारूची की तलाश में इस चाबी को संभाले बैठा हूं। एक बात बताओ, मेरे चाबी संभालने से क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो वाकई में हुगुन है, पर उसके पास सच्ची चीज शक्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि वो ताकतवर है, पर सच्ची शक्ति हमारे पास है, वो हमें हरा नहीं पाएगा। युकवांग और सुलवून अपनी शक्ति खो चुके और बेहोश है। अगर हम सैंगवा की ची शक्ति जगा पाते तो शायद हालात कुछ और होते। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि सैंगवान कभी भी मरुची बन सकता है। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। नई तकदीर कभी भी लिखी जा सकती है, इच्छा होनी चाहिए। इच्छा उसमें तो बिल्कुल नहीं है, मगर वो है कहां? अरे मैं देख लूंगा। चलो टूट पड़ते हैं, बहुत भूख लगी है। भूख तो लगी है। वो देखो यह वही लल्लू है। बस मिल के आता हूँ। आज तुम्हारे साथ खाना खाया तो अच्छा लगा। नमस्ते, ये तो हमारा बहादुर ऑफिसर है। इतनी खूबसूरत चिड़िया तूने कैसे पटाई? ये वही लोग हैं क्या? क्या बोली? देखिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आप अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठिए, यही अच्छा रहेगा। अच्छा तू मर्द बन गया? मुझे डर लग रहा तेरे से। अरे तू असली मर्द के साथ आई है? असली मर्द? फिर से बोल साले, फिर से बोल ना। बहुत हो गया, बैठ जाओ। क्या देख रहे चिकने, छमिया के सामने मर्द बनता है? समझ में आता है, समझ में आता है शाने? दिखा तेरी मर्दानगी, दिखा ना। तुम फिक्र मत करो, हम जानते हैं उन्हें। अब तुम जाओ यहाँ से। क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहोगे? चुपचाप बैठ जाओ सांगवा। बच्चा कॉमेडियन भी है। लड़ेगा मेरे से? जानते हो अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ। बहुत बोल रहा है बच्चा, बहुत बोल रहा है। आज बहुत प्यारा लग रहा है तू। ए बस, सुना इस बच्चे ने क्या कहा? लगता है ये पुरानी मुलाकात भूल गया है, शायद इसे फिर से याद दिलाने की जरूरत है। सुना क्या? रुक जाओ सांगवा। तुम कहाँ जा रहे हो? बहुत जोश आ गया।
छोड़ो मुझे। बोलो, हाथ उठाओगे पुलिस वाले पे? तुम्हें चुप रहने का हक है, तुम्हें वकील का हक है। बोलो कैसा लग रहा है? बस करो, कैसा लग रहा है? खड़े हो जाओ, लग रहा है। तभी बोलो मैंने क्या गलत किया। ठीक है, माना कि मुझसे गलती हो गई, अब गुस्सा छोड़ दो ना। हाँ देखो, एक बार तुम्ही ने तो कहा था कि हमें इस दुनिया से बुराई को खत्म करना है, कहा था कि नहीं, तुमने याद है? हाँ, पर एक बात ध्यान से सुन लो, हमने तुम्हें ये हुनर लोगों से बदला लेने के लिए नहीं सिखाया है, समझे तुम? इस तरह लोगों को पीटकर तुम बुराई को खत्म नहीं कर रहे हो। रुको, और मेरा क्या होगा बताओ? तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ रहने का बहुत शौक है? हाँ शौक नहीं है तो चले जाओ ना। हाँ चला जाऊंगा। हाँ तुम्हें उन गुंडों को पीटना था ना, और तुमने उन्हें पीट दिया, अब सीखने सिखाने को बचा क्या है? अब तुम चले जाओ यहाँ से, अब हम दोनों का अलग रहना ही बेहतर होगा, क्यों? ठीक है ना? और इस रिश्ते की शुरुआत किसने की थी? हाँ वो मेरी गलती थी। तुम्हारे लिए जीतना इतना ही जरूरी है तो पहले अपने आप को जीतो, अपने आप पर भी काबू नहीं रख सकता। अच्छा है, मुझे भी अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वैसे भी मैं कोई सही काम नहीं करता हूँ, पर इस बार तो हद हो गई, मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने क्या गलत किया है? कहाँ हो तुम? यहाँ हो? झगड़ा उन लोगों ने शुरू किया था, तुम मुझ पर क्यों नाराज होती हो? भाई साहब आप कौन हो? जो भी हो इसे कह दो कि गलती मेरी नहीं थी, उन लोगों ने मेरे साथ झगड़ा। एक मिनट रुको, तुम तो वही हो, वो रास्ते वाले मुन्ना भाई। मैंने पूछा मून कहाँ है? मैंने कहा ना वो पहाड़ पर गए हैं, मुझे नहीं मालूम कहाँ। मुझे पता है ये सही जवाब नहीं है। hey, रुको रुको, तुम आगे मत बढ़ना। और यूशिन तुम इससे क्यों डर रही हो? नहीं संगवा, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। डरो मत इसकी तो मैं। बताओ तुम हो कौन? सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे। Oh!
तुम बिल्कुल पागल हो गए हो? हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। कोई खून खराबा नहीं। तो फिर मुझे चाबी दे दो। काशत कहीं के? जख्मी है और उसे हराने का यही मौका है। पर हम मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। बकवास! अकेले जाने में खतरा है। बेकार में वक्त बर्बाद मत करो, मुझे वो चाबी दे दो। सेवन मास्टर्स को लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें अब भी ये बात समझ में नहीं आई है? आज के इस युग में अराहान की सच्ची शक्ति पाकर भी तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया पर राज करोगे? नहीं, मैं सिर्फ दुनिया में अनुशासन कायम करना चाहता हूँ। तुम अनुशासन की बात कर रहे हो? मैंने अब तक सिर्फ एक सच को जाना है, जो सबसे ताकतवर है वही अब शांति कायम करने में कामयाब होगा। ताकत हवा के रुख के साथ दिशा बदलती है, ये सुना नहीं है तुमने? मास्टर सुनिए, यहां से जाओ।
नहीं। थोड़ा आराम करोगी तो ठीक हो जाओगी। नहीं, गलती मेरी थी बाबा, मुझे उसे चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। तुम्हारी गलती नहीं, हालात ही कुछ ऐसे थे। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने उसे जख्मी किया था? नहीं मैंने नहीं, मेरे ख्याल से सांगवा ने आवाज की तरंगों से उसे जख्मी किया था। एक बात बताइए बाबा, क्या वो आदमी सदियों से गायब हुए सेवेंथ मास्टर थे? मास्टर्स मोक्ष पा चुके हैं उन्हें हम मारुचि कहते हैं और औरतों को अराचि कहते हैं। प्राचीन कहानी के मुताबिक जो लोग मारुचि और अराचि की हद तक पहुंच चुके हैं उन्हें यह आध्यात्मिक चाबी दी जाएगी ताकि वो आराहन पा सकें। वो लड़का या लड़की कुदरत के कायदों को समझेगा और आराहन की शक्ति से दुनिया पर राज करेगा। आराहन की शक्ति को दुनिया से एक राज की तरह छिपाकर रखा गया था। सेवन मास्टर्स को डर था कि कहीं उसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। हुगुन, जिसने हमारे मून मास्टर का कत्ल किया है, वो पहले सेवन मास्टर्स में से एक था। सदियों पहले किसी बुरे इंसान ने जन्नत में धोखेबाजी करके वो चाबी हासिल करनी चाहिए थी, जिससे लोगों को एहसास हो गया कि अगर चाबी किसी गलत इंसान के हाथ में लगी तो दुनिया में हैवानियत और शैतानी ताकतों का राज होगा। और उसी हैवानियत की वजह से बच्चे अपने मां बाप का और भाई अपने भाई का खून करने लगा। चाहकर भी सेवन मास्टर्स इस हैवानियत को धरती पर उतर कर रोक नहीं सकते थे, क्योंकि यह दुनिया के नियमों के खिलाफ था। आम इंसान खुद सारी कोशिशों के बावजूद अमन कायम नहीं कर पाया। किसी अनाथ बच्चे की रोती आवाज सुनकर हुगुन अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया और कुदरत के नियमों को तोड़कर धरती पर उतर आया। और हुगुन की वजह से बचे हुए मास्टर्स को भी चाबी लेने के लिए धरती पर आना पड़ा। खून खराबे की वजह से दोनों दुनिया तबाह हो गई। हुगुन तलवार के वश में आकर बेकाबू हो गया था। उसने खुद ही तय किया कि वो आराहन बनकर दुनिया में अमन कायम करेगा। पर मास्टर जानते थे कि गुस्से के वश में आकर हुगुन दुनिया में सिर्फ आतंक और दहशत फैलाएगा। जब तक कि कोई सच्चा आराहन नहीं मिलता, मास्टर्स ने आध्यात्मिक चाबी को अपने शरीरों में छुपा लिया
और हुगुन को जमीन में दफन कर दिया, पर हम उसकी महत्वाकांक्षा को दफन नहीं कर पाए। हुगुन बुरी चीज शक्ति की मदद से जिंदा रहा और अब हमारे बीच लौट आया है। इस आध्यात्मिक चाबी का वजन इतना भारी है कि कोई आम आदमी या शिष्य इसका भार संभाल नहीं सकता। मेरे लिए इस चाबी के वजन के साथ जीना कोई आसान काम नहीं था, मगर अब मैं इस वजन से मुक्ति पा सकता हूं। तुम्हारा स्वागत है। गाड़ी रोको प्लीज। देखो यूजिन, मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस सब के बारे में मैं तुम्हें क्या कहूँ, और इस तरह से नाराज होने से मैंने कहा गाड़ी ये मत रोको। अब तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। अरे रुको यूजिन, रुको, तुम्हारा दिमाग खराब है। वो तुम्हारे लिए आम इंसान होंगे लेकिन मेरे लिए पिता समान थे। क्या कहना है तुम्हें इस बारे में? तो फिर मैं कौन हूं? सांगवा, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हें अभी लगता है तुम एक मारुची बन सकते हो? अगर साथ नहीं चलने वाले तो मेरा हाथ छोड़ दो। तुमसे मिलकर खुशी हुई। अब इस लड़की का क्या करूं मैं? बहुत लंबा सफर तय करके आए हो, थोड़ी चाय हो जाए। इतने सालों तक उस चाबी को छुपाए रखना मुश्किल हुआ होगा ना? तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरे पास वो चाबी नहीं है। पागल कर देगी मुझे। मैं उसे नहीं चाहता। सब ठीक है ना? सबसे पहले क्या हम बीमा कंपनी को फोन कर सकते हैं? अरे अरे ये तुम क्या कर रही हो? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं कहता हूँ छोड़ो इसे, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, इसे छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, भादो इसे, चलो जल्दी भादो, मैं कह रहा हूँ। यूजिन, तुम शांति से काम क्यों नहीं ले सकती हो? ऐसे हालत में तुम शांत रहते क्या? मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, पर तुम्हें इस तरह का बर्ताव करना तो नहीं सिखाया गया है ना? क्या तुम्हें कहा था खुद पर काबू रखो?
परेशान होने से कुछ नहीं होगा यूजन, हम दोनों को ठंडे दिमाग से सोचकर कोई रास्ता निकालना होगा। हाँ देखो, उस आदमी को चाबी चाहिए थी, है ना? वो तो तुम्हारे बाबा के पास नहीं है, उसी वजह से सारे मास्टर्स मारे जा चुके, तुम तो ये जानते हो। इसीलिए तो मुझे उम्मीद है। जरा गौर से सोचो, उसके हिसाब से तो सिर्फ तुम्हारे बाबा ही ये जानते हैं कि वो चाबी कहां पर हो सकती है। हाँ, तो अब तुम ही ये सोचकर बताओ कि क्या वो ऐसे इंसान को मार सकता है? हरगिज नहीं। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा उन्हें। ठीक है, तो फिर उन्हें कहां ढूंढें? अब यही तो परेशानी है। क्या तुम इसी तरह बकवास करते रहोगे? हाँ तो कोई, मैं भी शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। क्या सिर्फ तुम्हें ही गुस्सा आता है? अब मेरा दिमाग भी फट रहा है, मुझे भी फिक्र है। जो मोक्ष पाना चाहते हो, अगर वो इस आध्यात्मिक चाबी के साथ इस पूजनीय स्थान पर खड़े हो तो निर्वाण के द्वार खुल जाते हैं। यूजन, उस चाबी का इस जगह से कुछ संबंध है ना? तुम्हारे शरीर के सभी आध्यात्मिक बिंदु बंद हैं। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो तुम मर जाओगे। अपनी से छोड़ दो और वो चाबी मेरे हवाले कर दो। मेरे मन में अब किसी किस्म का कोई डर नहीं है, जो करना है करो। मैं हुगुन को ढूंढती हूँ, तुम मेरे बाबा को ढूंढना और उन्हें कहीं दूर ले जाना, ठीक है? रुको यूजिन, बाद में रुको। अरे ये लड़कियां तो दिमाग इस्तेमाल करती नहीं क्योंकि उनके पास होता नहीं है। इन सबको तो फौज में भर्ती कर देना चाहिए ताकि दुश्मन खुद ब खुद मर जाए। कितनी डरावनी जगह है ये, म्यूजियम कम और भूत बंगला ज्यादा लगता है। मैं जानता था जो भी मुझे ढूंढ लेगा वही मुझसे लड़ने के काबिल होगा। मैं जानती दुनिया में तुम एक अरसे बाद आए हो, लेकिन दुनिया काफी बदल गई है। कोशिश करूंगी कि मैं नरमी से पेश आऊं। कहां है वो? सैंगवा, ध्यान लगाओ। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहां हूं। तो फिर मैं आपको कैसे ढूंढूंगा? हुगुन ने मेरी चीज शक्ति को नष्ट कर दिया है। सिर्फ आंखों का इस्तेमाल मत करो, अपनी पांचों इंद्रियों को खोलो, तभी जान पाओगे। ओफो, तो फिर आपको इस तरह ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, इसलिए आप जहां हैं वहीं रहिए। लग गई मेरी चैनगुली की मैनगुली की चैनगुली की मैनगुली। इस तरफ अपने आसपास शक्ति को महसूस करो, हमले की तैयारी करो, अपने अंदर शक्ति की रोशनी लाओ। कहाँ है? इसे थकना पड़ेगा क्या? मास्टर, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या तुम मेरी चीज शक्ति महसूस कर सकते हो? क्या तुम लड़कियां अपना दिमाग मेकअप बॉक्स में छोड़कर आती हो? हाँ क्या? ए मुन्ना भाई इधर देख। है ना जगास?
मेरी ही तलाश है ना तुमको, तो चल आ जा मैदान में। मास्टर हुगुन, वक्त और हालात बदल चुके हैं, वो आध्यात्मिक चाबी इन नौजवानों के पास ही रहने दो। अगर शक्ति का गलत इस्तेमाल करो तो वो इस्तेमाल करने वाले को ही तबाह कर देती है। शक्ति उसी के पास होनी चाहिए जिसमें उसे संभालने का दम हो। माफ कीजिए, मुझे लगा था आपको इस बारे में पहले से ही पता होना चाहिए था। Thank you.
सब त्याग दो। जो दिखता है वो भ्रम है, जो नहीं दिखता वही सच है। जो मारुति बनना चाहते हैं उन्हें अपनी सारी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। जिस पल तुम खुद को त्याग दोगे, तुम्हें सच्ची आजादी का एहसास होगा। जो पृथ्वी और आकाश के बीच है, तभी तुम गुरुत्व आकर्षण को काबू कर पाओगे। उसी दिशा में बढ़ते हुए तुम सच को समझ जाओगे। इसके लगातार प्रशिक्षण से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिस पल तुम अपने अहम को काबू कर लोगे, आराची के दिल के द्वार खुल जाएंगे और तुम मारुची बन जाओगे। मेरा पेट दुख रहा है यार। एक बात कहूं, वो चाबी तुम नहीं संभाल सकते। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है बोलो? क्या हवा निकल गई तुम्हारी? हाँ,
एक और हो जाए। कुदरत के नियमों के खिलाफ लड़ना बंद करो। कुदरत ने कभी भी दुनिया को नहीं छोड़ा, दुनिया ने कुदरत को छोड़ दिया। टाओ शक्ति ने लोगों को कभी नहीं छोड़ा, लोगों ने टाओ शक्ति को छोड़ दिया। जिस पल तुम खुद को त्याग दोगे, तुम्हें सच्ची आजादी का एहसास होगा।
हे, अपनी आंखें खोलो। जरा डाई लाना जी। सुनो, जरा ये खाली करके दोगी? ओ हाँ जरूर। सुनिए, अगर आप बुरा न माने तो मैं जरा बैंक से होकर आ जाऊं। ये साला कबाब में हड्डी कौन है? लल्लू तेरा छावा है क्या? मैं हूं ना। बोंग चुंग यांग, ऑफिसर बोंग, ऑफिसर बोंग, तुम ठीक तो हो ना? इमली का बूटा, मेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे। यूजिन, तुम ये पंजे वाला कर्तव्य ठीक से करना कब सीखोगी? वो बहुत तेज जा रहा था। ये करना बहुत आसान नहीं है, समझे? ये देखो, देखो जरा गौर से देखो, मैंने यहाँ किया और तुमने देखो क्या किया। तुमने तो सारा कचरा फैला दिया और ऑफिसर बॉन्ग की हालत देखो, वो तो बेचारे घायल पड़े हुए वहाँ पे। देखो, तुम अगर करना नहीं आता तो तुम करती क्यों हो?